नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, हालेलुया। दिस इज अन्नू कपूर एंड यू आर लिसनिंग 92.7 बिग एफएम, वो शो जिसे आपने बहुत प्यार दिया, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके एहतराम की वजह से मकबूलियत हासिल है, जिसे जिस शो का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर टेक टू। कुछ धुन बदल के तो देखो। आज सबसे पहले बताऊंगा दारा सिंह ने क्यों प्रण लिया कि वो सीखेंगे उर्दू, और फिर हुआ क्या। सेकंड स्टोरी, एक साजिश के तहत आशा पारिक के खिलाफ उड़ाई गई एक अफवाह, क्या था सच। तुमने पुकारा और हम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई। और लास्ट की स्टोरी, कैसे बना संजय दत्त राजू हीरानी की फिल्म का हीरो। और अंत में हमारे श्रोता अर्पित कुमार आर्य के सवाल का दूंगा जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम के इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर टेक टू। नए अंदाज के साथ, निराले अंदाज के साथ, धुन बदल के तो देखो। 1971 में डायरेक्टर चंद्रकांत की एक फिल्म रिलीज हुई, टाइटल तुलसी विवाह, स्टारिंग अभि भट्टाचार्य, जयश्री गढ़कर, अनीता गुहा और दारा सिंह, सी रामचंद्र का म्यूजिक। फिल्म आई और चल गई, सुपरहिट हो गई। इस फिल्म में दारा सिंह ने भगवान शिव का रोल किया था। दारा सिंह के काम की तारीफ भी बहुत हुई, लेकिन जब जब डायलॉग बोलने का समय आया, जो उच्चारण था वो पंजाबी था, बहुत सारे लोगों को ये बात खटकी। लेकिन साहब, खैर, फिल्म हिट हो गई तो हिट होने के ऊपर ही सब कुछ होता है। इस कमी को लोगों ने कुछ दिन बाद भुला दिया। 3 साल बाद ही एक और फिल्म मिल गई, इसमें भी शिव का रोल करना था और फिल्म का नाम था हर हर महादेव, यानी दारा सिंह इन हर हर महादेव एज भगवान शिव। फिल्म के हीरो भगवान शिव ही थे। फिल्म बनी और रिलीज हुई, हिट भी हो गई, लेकिन दारा सिंह के डायलॉग और उसका प्रोनंसिएशन पंजाबी ही बना रहा। फिल्म क्रिटिक्स को यह बात खटक गई और एक बहुत बड़े क्रिटिक ने लिख भी दिया कि भगवान शिव जरूर पंजाबी रहे होंगे। दारा जी ने पढ़ा, यह बात चुप गई, तो फैसला लिया कि प्रोनंसिएशन सुधारने के लिए उर्दू सीखेंगे। उर्दू टीचर बुलाया गया, नाम था मुशर्रफ हुसैन। ट्यूशन चालू, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बीत गए, लेकिन दारा जी भारत को भारत और मोहब्बत को मोहब्बत कहते रहे। 1-2 फिल्में भी आईं, पूरे 1 साल बीत गया, भारत भारत ही बना था और पुलिस जो थी वो पॉलिसी बनी रही, और आखिरकार उर्दू टीचर ने भी हाथ उठा दिए। दारा सिंह उर्दू का प्रोनंसिएशन नहीं ठीक कर पाए, लेकिन इतना जरूर हुआ कि एक दिन किसी ने पूछा कि मुशर्रफ हुसैन साहब, हालचाल ठीक ठाक है? तो जो मुशर्रफ हुसैन साहब थे, जो उर्दू के टीचर थे, उन्होंने कहा बस चंगा है जी। उर्दू टीचर पंजाबी सीख गया। दारा जी बड़े प्यारे थे, वो सिकंदर बनके भी बोलते थे, सिकंदर हमको काबुल कंधार और ईरान को छोड़कर हिंदुस्तान पे तवा बोलना है। या सुल्ताना डाकू बने थे, ओपा घोपा घोपोल साई। आज मैं जब हम धुन बदल के देखो की बात करते हैं, तो हमने कहा दारा जी की कहानी हमने सुनाई कि उनका पंजाबी लहजा कभी गया नहीं, लेकिन कुछ भी था, अपने देश की भाषा में तो बोलते थे। अपने देश की भाषा तो जानते थे, वो पंजाबी हो के गुजराती हो के मराठी हो के तमिल हो, अपने देश की भाषा जानते थे। आजकल मेरे को है कि अपने देश की भाषा नहीं जानते, हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, हिंदी और उर्दू जो हमारी जबान है उसकी वजह से रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन अपनी जबान का ना उर्दू का ना हिंदी का कोई एहतराम नहीं है, कोई लिहाज नहीं है और जानते भी नहीं है। कुछ धुन बदल के तो देखो। तो बात है 1966 की। नासिर हुसैन एक फिल्म बना रहे थे, बहारों के सपने, हीरो राजेश खन्ना, हीरोइन आशा पारेख। आशा पारेख इस फिल्म में गरीब लड़की का निभा रही थी रोल, कच्चे मकान में रहती, जमीन पर सोती है, टूटे फूटे अल्मोनियम के बर्तनों में खाना खाती है। जिन दिनों फिल्म शूटिंग चल रही थी, एक बहुत बड़ी फिल्म मैगजीन ने छाप दिया
कि यूं तो आशा फिल्म में गरीब लड़की का रोल कर रही है, फिर भी डायरेक्टर से जिद भी कर रही है कि उसे किसी सीन में हीरो का हार पहने हुए दिखाया जाए, डायमंड्स का नेकलेस। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो भी ड्रीम सीक्वेंस क्रिएट करके उन्हें हीरो का हार पहने हुए दिखाया जाए, क्योंकि ये हीरो का हार उनके लिए बहुत लकी है, शुभ है। ये खबर लोगों ने पढ़ी, आशा पारेख की किरकिरी होने लगी। आशा पारेख ने इसे एक साजिश करार दे दिया उन्हें बदनाम करने का, और प्रेस को खूब बयान दिया कि कोई उनके खिलाफ अफवाह फैलाने की साजिश कर रहा है, षड्यंत्र है। आशा पारेख की बात में सच्चाई थी या खबर में सच्चाई थी यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह खबर आशा के दामन पर दाग जरूर लगा गई। आशा पारेख इस खबर से कितनी हताहत हुई होंगी कि 50 साल बाद जब उनकी बायोग्राफी का विमोचन हुआ तब भी उन्होंने इस बात को लेकर सफाई दी कि यह बात उनके खिलाफ अफवाह फैलाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश थी, षड्यंत्र था, यह उन्होंने सफाई में दी। लेकिन अब धुन बदल के तो देखो, कमाल की बात यह है कि बहारों के सपने में सचमुच एक ड्रीम सीक्वेंस था जिसमें आशा पारेख हीरों का हार पहनी हुई नजर आती हैं। दूसरी बात यही नहीं, अगर आशा पारेख की फिल्मों पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीन में वो हीरों का हार पहनी हुई जरूर नजर आती हैं। गौर से देखना दोस्तों, यही है धुन बदल के तो देखो। हेलो, दिस इज अन्नु कपूर कॉलिंग। कौन बोल रहा है उधर? हेलो अन्नु जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आपका शुभ नाम बताएं क्या है? अजंता विश्वास। कहाँ से बोल रही हैं अजंता जी? गुवाहाटी, आसाम से। गुवाहाटी से बोल रही हैं, गुवाहाटी। गुवाहाटी आप जानते हैं? भूपेनगर के जी यहाँ रहते थे। हाँ हाँ हाँ, गुवाहाटी मतलब वो सुपारी का बाजार ना? या गुवाहाटी, गुवा मीन सुपारी। हाँ, हाटी मतलब बाजार। और कैसे हैं आप? आप ठीक है? हम लोग आपके प्रोग्राम सुनते हैं जी हर रोज, और मेरा बेटा जो मेंटली रिटायर्ड है, फिजिकली हैंडीकैप है, वो भी मतलब सुनते हैं आपके प्रोग्राम। जी 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 जी। और घर पे कौन कौन है अजंता जी? घर पे मेरा हस्बैंड है जी। क्या करते हैं हस्बैंड? हस्बैंड बैंक पे नौकरी करते हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे दो बच्चे, एक लड़की है, बेटा बड़ा है 19 ईयर्स, ही इज मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप है। अरे सो सॉरी। और मेरा बेटी है, 8th में पढ़ती है। अच्छा अच्छा। दोनों को मेरा आशीर्वाद, दोनों को मेरा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। और हिंदी हिंदी फिल्मों के कौन से गाने अच्छे लगते हैं? हिंदी फिल्म में और जो ऐसे तो सभी अच्छे लगते हैं, तो भूपेन हजारिका जो दिल हुम हुम करे। हाँ 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 हाँ। जी का तो, और आपका प्रोग्राम हम लोग जो अंताक्षरी आते थे वो भी हम लोग सब देखते थे। जी जी जी, बहुत पसंद था आपका प्रोग्राम। अजंता जी, आपकी फरमाइश पे दादा भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि, भूपेन हजारिका जी को वो वही गीत सुना देता हूँ, दिल हुम हुम करे। अच्छा ठीक है, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार अन्नू जी। थैंक यू। जनता की पुरजोर फरमाइश पर फिर तेरी कहानी याद आई। विद्दू विनोद चोपड़ा गया FTII डायरेक्शन का कोर्स करने। बचपन में हिंदी और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की थी कश्मीर में, इंग्लिश में हाथ तंग था। फिल्म इंस्टीट्यूट का पहला दिन और क्लास ले रहे थे ऋत्विक घटक। ऋत्विक घटक ने विनोद को खड़ा किया और एक प्रश्न पूछा, हैमलेट पढ़ा है? विद्दू विनोद चोपड़ा ऋत्विक घटक का मुंह देखते रह गए, एक टक आंखें गाड़ दी ऋत्विक घटक के चेहरे के ऊपर यह प्रश्न सुनकर। ऋत्विक घटक ने फिर रिपीट किया, हैमलेट पढ़ा है? विद्दू विनोद चोपड़ा ने घबराकर गुरुजी से ही पूछ लिया, यह हैमलेट कौन है? बस इतना पूछना था कि तड़ाक से एक तमाचा विद्दू विनोद चोपड़ा के चेहरे पर पड़ा। विद्दू विनोद चोपड़ा घबरा गया। ऋत्विक घटक गुस्से में चीख पड़े, डोंट मेक मी फूल। विद्दू विनोद चोपड़ा खामोश रहा। क्लास खत्म हुई, बाहर निकला तो निकल के इस बालक विद्दू विनोद चोपड़ा ने दोस्तों से पूछा, यार ये हैमलेट कौन है जिसकी वजह से मेरे को थप्पड़ पड़ गया, यार है कौन? तो पता चला कि शेक्सपियर के एक नाटक का नाम है जो उन्होंने इसके मेन प्रोटैगनिस्ट के नाम पर ही रखा है। आप सबको मालूम होगा कि ग्रेट विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है हैमलेट, और उसी नाम से प्ले का टाइटल भी है। हैमलेट जो है बहुत
जिन लोगों का बहुत मशहूर हुआ उनमें सर लॉरेंस ओलिवियर का नाम बहुत मशहूर है। सर जॉन गिलगुड ने भी ये रोल किया था, लेकिन सर लॉरेंस ओलिवियर का हैमलेट पूरे आलम में मशहूर है। तो ये एक नाटक का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है, और फेमस जो लाइन है आप सबको बताना चाहता हूँ, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ये हैमलेट की ही लाइन है। बस ये थप्पड़ पड़ना था कि उसी दिन से विद्दू विनोद चोपड़ा ने कसम खाई कि अब वो इंग्लिश सीखेंगे। जी तोड़ मेहनत की और ऐसी इंग्लिश सीखी, इतना बढ़िया कमांड कर लिया कि एक दिन ऐसा आया जब जिस ऋत्विक घटक ने विद्दू विनोद चोपड़ा को तमाचा मारा था, यही विद्दू विनोद चोपड़ा उस महान ऋत्विक घटक का फेवरेट स्टूडेंट बन गया। राजू हिरानी विद्दू विनोद चोपड़ा की एक फिल्म एडिट कर रहा था। फिल्म का नाम था मिशन कश्मीर। एडिटिंग के दौरान राजू ने विनोद को बताया कि उसके जहन में एक स्टोरी है जिसे वो बनाना चाहता है। विद्दू विनोद चोपड़ा ने राजू से कहा, आप स्क्रिप्ट पूरी कर लीजिए, अच्छी लगी तो मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। तो राजू लग गया काम पर। स्क्रिप्ट का काम पूरा करते ही राजू पहुंचा विद्दू विनोद चोपड़ा के पास और बात आगे बढ़ गई। फिल्म का नाम रखा गया मुन्ना भाई MBBS। राजू हिरानी ने यह कहानी अनिल कपूर को ध्यान में रखकर लिखी थी, लेकिन विनोद ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो विद्दू विनोद चोपड़ा ने अनिल कपूर की जगह शाहरुख खान का नाम सजेस्ट किया। शाहरुख खान के साथ मीटिंग फिक्स हुई, पहुंच गए फिल्म सिटी स्टूडियो में देवदास के सेट पर। कहानी सुनकर शाहरुख ने कहा कि वो खुद स्क्रिप्ट पढ़कर फोन करेंगे। अगली सुबह शाहरुख खान ने राजू को फोन किया और कहा अगले हफ्ते आ जाओ मिलने के लिए। शाहरुख खान को कहानी पसंद आ गई थी और शाहरुख खान फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक हालात बदलने लगे। शाहरुख खान घायल हो गया, इंजरी हो गई उसे, जिसकी वजह से मजबूरी में स्वास्थ्य के कारण शाहरुख खान को यह फिल्म छोड़नी पड़ी। काम फिर से अटक गया। अब विवेक ओबराय के नाम पर विचार होने लगा, लेकिन बात नहीं बनी। फिर जिमी शेरगिल का नाम उछल गया और संजय दत्त को एक गेस्ट रोल में कास्ट किया गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी किस्मत में कुछ है तो दुनिया में कोई माई का लाल उसे छीन नहीं सकता, और नहीं है तो आपको दे नहीं सकता। फिल्म तो थी संजय दत्त की किस्मत में। होते होते कुछ ऐसा हुआ कि जिमी और संजय दत्त के रोल आपस में एक्सचेंज कर दिए गए। संजय दत्त लीड में हो गया और जिमी को मिला जहीर का छोटा सा किरदार। जब फिल्म में शाहरुख खान था तब ऐश्वर्या राय का नाम फीमेल लीड के लिए सामने आया था, लेकिन फाइनली वो रोल गया ग्रेसी सिंह के खाते में। तो एक बात पक्की है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी मिल नहीं सकता है। कोई तो है जो करता है पत्थरों की किस्मत का फैसला, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। कानपुर के अर्पित कुमार आर्य ने पूछा, अनुजी आपने एक फिल्म की थी मुस्कुराहट, इस फिल्म में अमरीश पुरी की बेटी का रोल किसने किया था? अर्पित भाई, मुस्कुराहट में स्वर्गीय अमरीश पुरी की बेटी का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया था उसका नाम था उमा। मुस्कुराहट उमा की पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने साउथ की बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उमा के पिताजी साउथ की फिल्मों के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे, नाम था कमेश, और उमा की माताजी कमला कमेश मलयालम फिल्मों की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थी। मुझे उम्मीद है कि उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। आज इस शो को यहीं विराम देता हूं, कल फिर आपसे भेंट होगी। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।